डीए के एग्जाम के लिए जो लोग एलिजिबल होंगे वो इस फॉर्म को भरेंगे, और सबसे पहले क्या याद रखना है कि एप्लीकेशन फॉर्म को ब्लॉक लेटर्स में भरना है, यानी कि कैपिटल लेटर्स में भरना है। यानी कि आप लोग किस तरीके से फॉर्म को भरने वाले हो, तो आप लोग जो ABCDs है उनको ब्लॉक लेटर्स में यानी कि कैपिटल लेटर्स में ही आप लोग यूज करने वाले हो। तो सबसे पहले जानते हैं सबसे पहले क्या भरना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट में। तो इसमें अपना नाम लिखना है कि जो लोग एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं उनका नाम क्या है, यानी कि कैंडिडेट अपना नाम लिखेगा। जैसे मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ रमन। मेल फीमेल में डालना है कि आपका जेंडर क्या है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप पुरुष हैं या महिला हैं। तो उस केस में आपको पुरुष के केस में आपको क्या भरना है, मेल भरना है, और महिला के केस में आपको फीमेल भरना है। उसके बाद में आएगा कैटेगरी के बारे में कि BPM की कैटेगरी में आप लोग किस तरीके से आते हो, आप लोग BPM हो, ABPM हो या फिर आप डाक सेवक हो। यानी कि GDS को तीन कैटेगरीज में बांटा गया था, कौन कौन सी थी वो, BPM, ABPM और डाक सेवक। तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी भरनी है। उसके बाद में क्या भरना है, डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो लोग 10th की मार्कशीट होती है ना, जैसे किसी भी कैंडिडेट की 10th की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट में जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी वही इसमें फिल करनी है, और उसकी एक फोटोकॉपी या कहें सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, कार्बन कॉपी, इसको कहाँ पर करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, उसके बाद में उसको अटैच करके भेजना है। और सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि जो फोटोकॉपीज आप लोगों ने कराई है उस पर आप अपने सिग्नेचर करोगे नीचे, तो इसे कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड। तो इसे आपको आप पंच भी करना है, पीछे पिन भी करना है, संलग्न भी करना है, और उसके साथ साथ में इस कॉलम में सभी को अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद में आपको लिखना है आप किस कम्युनिटी से हैं, आप जनरल से हैं तो UR डाल सकते हैं, SC ST OBC EWS, इन सभी कैटेगरीज में, जिस भी कैटेगरीज में आप लोग हो उनमें से किसी भी कैटेगरी को आप एक को यहाँ पर चूज करोगे। उसके बाद में आपको लिखना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आप कितने पढ़े लिखे हुए हो, तो इसमें मिनिमम 12th पास लिखना है, और उससे ज़्यादा अगर किसी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो उसे भी अगर वो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो कम से कम क्या लिखना है, 12th पास तो लिखना ही है। और उसके बाद में क्या करना है, जो मार्कशीट है आपकी उसकी एक फोटोकॉपी करनी है, और उसको फोटोकॉपी पर आपको अपने नीचे सिग्नेचर करने हैं, और सिग्नेचर करने के बाद आप लोग इस फोटोकॉपी को भी आप लोग अटेस्टेड भी करोगे। और आपको कहाँ पर देना है इसको, ऑफिस वेयर प्रेजेंटली अटैच्ड, यानी कि आप लोग जिस भी SO में हो, जिस भी HO में हो, वहाँ पर आपको इसको देना है, और उसके बाद में ये फर्दर डिवीजन लेवल पर ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो वहाँ पर चला जाएगा। और आपको इसमें क्या भरना है, 8वें नंबर के कॉलम में डेट फ्रॉम विच कंटिन्यूइंग इन GDS एंगेजमेंट। बेसिकली इसमें क्या है, जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो होती है उसके 2 वर्ष बाद में एक लेटर आता है रेगुलर एंगेजमेंट वाला, तो जिस दिन आपको रेगुलर किया जाता है ना एज ए GDS, इसमें वो वाली डेट भरनी है, डेट फ्रॉम विच कंटिन्यूइंग इन GDS एंगेजमेंट, आपको वो वाली डेट भरनी है। और 9th नंबर के कॉलम में क्या भरना है, लेंथ ऑफ एंगेजमेंट रेंडर्ड एज GDS एज ऑन 1st January ऑफ वैकेंसी ईयर 2021। इसमें लिखना है कि आप लोगों ने 1/1/2021 तक आपकी सर्विस है वो कितने महीने की हो गई, कितने दिन की हो गई और कितने साल की हो गई, इस तरीके से भरना है। जैसे कि कुछ लोगों की सर्विस 5 साल से ज़्यादा की है तो वही लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, GDS तो मेनली वही एलिजिबल है। तो आप लोगों को कैसे लिखना है कि 1 दिन 5 महीने और 5 वर्ष मेरी एज ए GDS रेगुलर सर्विस हो चुकी है, उनको ऐसे लिखना है। बेसिकली आपको क्या लिखना है, आपको अपना डे लिखनी है, उसके बाद में मंथ लिखना है, उसके बाद में ईयर लिखना है, और इसमें लिखना है आपकी एज, यानी कि 1 जनवरी 2021 तक आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना उसको काउंट करना है कि आप कितने दिन के हो गए। सबसे पहले ये लिखना है, जैसे सबसे पहले लिखना है ईयर कितने साल के हो गए, जैसे कोई कहेगा कि 25 साल के हो गए, 25 साल 6 महीने और 4 दिन का अगर कोई व्यक्ति हो जाता है तो उनको इस तरीके से लिखना है। यानी कि सबसे पहले साल लिखनी है कितने साल के हो गए, उसके बाद लिखना है कितने मंथ के हो गए हो, उसके बाद लिखना है कितने दिन के आप हो चुके हो 1/1/2021 तक। ये आपको ऐसे अपनी डेट ऑफ बर्थ नीचे इस वाले 10th नंबर के कॉलम में लिखनी है।
यहाँ पर अपने आपको अपनी एज लिखनी है और नाइन्थ नंबर के कॉलम में इसी तरीके से आपको लिखना है क्या कि आप कितने दिन की आपकी सर्विस होगी, कितने महीने की आपकी सर्विस होगी और कितने साल की आपकी सर्विस हो चुकी है। ये सारी चीजें आपको लिखनी है। 11th नंबर के कॉलम में क्या लिखना है, वेदर एनी पेनल्टी इज इन करंटली और डिस्पेंडिंग प्रोसीडिंग पेंडिंग, इफ यस डिटेल देयर ऑफ। बेसिकली ये है कि अगर आपने कुछ गलत किया है या आपके आपके ऊपर कोई केस है, यानी कि ड्यूटी से संबंधित आपके आपने कुछ भी इनडिसिप्लिन किया है, तो उससे संबंधित अगर कोई आपके ऊपर केस चल रहा है, चाहे वो डिविजन लेवल पर हो, चाहे सर्किल लेवल पर हो, चाहे किसी भी लेवल पर हो, अगर है तो आपको यस लिखना है और उसके बाद में उसकी डिटेल्स भी लिखनी है। और मोस्टली लोगों पर ऐसे केसेस नहीं होते हैं तो आपको सिंपली नो लिखना है। नो लिख करके आप लोग या निल लिख करके आप लोग भी आगे जा सकते हो। डिक्लेरेशन में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको सीधा सिंपली अपने सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पर जैसे आप लोग अपने सिग्नेचर करोगे और उसके बाद में तारीख लिख दोगे, कौन सी डेट का आपने फॉर्म फिल किया है, और आप यहाँ पर लिखोगे प्लेस का नाम। प्लेस का मीन्स बेसिकली होता है आप लोग सबसे पहले अपने बीओ का नाम लिखेंगे, उसके बाद में आप लोग ब्रैकेट्स को यूज करते हुए एसओ और एचओ के नाम भी लिख सकते हो। यानी कि बेसिकली आप अपने स्थान का नाम लिखना है, और एक जीडीएस है वो मोस्टली अपने बीओ में रहता है, एमटीएस अपनी एसओ में रहता है और एचओ में भी रहता है, और जो डिस्पैच राइटर वगैरह हैं जो भी जिस भी प्लेस पर हैं वो अपने प्लेस का नाम लिखेंगे। यहाँ पर बेसिकली अपना जो आप जहाँ के रहने वाले हैं उस स्थान को आप बेसिकली नहीं लिखते हैं, सिंपल सा ये है। और यहाँ पर क्या क्लेरिफाई करना है, और ये जो जगह है ये जो कॉलम्स है ना ये वाले, ये आपके लिए नहीं है, इसको ऑफिस रिकॉर्ड के लिए रखा गया है और आपको यहाँ पर कुछ करना भी नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग जान चुके हो कि फॉर्म को किस तरीके से भरना है। नेक्स्ट जानते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस को तो मोस्टली लोग जानते ही हैं। ये है इसका पैटर्न, एग्जामिनेशन का पैटर्न, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड के बारे में। पेपर फर्स्ट होता है कम्पिटिटिव नेचर का, पेपर सेकंड क्वालिफाइंग नेचर का होता है, पेपर थर्ड भी क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। यानी कि दो पेपर एक दिन लगेंगे, पेपर थर्ड लगता है नेक्स्ट जब आपको डेट दी जाती है तब। कम्पिटिटिव नेचर और क्वालिफाइंग नेचर में अंतर सिर्फ इतना है कि कम्पिटिटिव नेचर का जो एग्जाम होगा उसी के आधार पर ही आपकी जो मेरिट लिस्ट है या जो आपका जो सिलेक्शन है वो किया जाएगा, और क्वालिफाइंग नेचर के एग्जाम्स में सिर्फ और सिर्फ आपको पास करने हैं। अगर आप इन एग्जाम्स में फेल होते हैं तो आपको आगे फर्दर चांस नहीं मिलेगा आपके प्रमोशन का, तो सिंपल सा ये रखना है। और बेसिकली सब लोग पैटर्न और एग्जामिनेशन सिलेबस से आप लोग वाकिफ हो, और इससे संबंधित एक दो वीडियोस हमारे चैनल पर भी उपलब्ध हैं, तो इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं, टाइम को बचाते हैं आप लोगों के। और थोड़ा सा पेपर थर्ड के बारे में जानकारी दे देता हूँ। पेपर थर्ड में आप लोगों को क्या करना है, पेपर थर्ड में आपको डाटा एंट्री करनी होती है, यानी कि कंप्यूटर टेस्ट होता है, डेस्ट जिसे बोलते हैं, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट जिसे डेस्ट बोलते हैं। तो डेस्ट का जो टेस्ट होता है उसमें 1200 की आपको इम्प्रेस्ड डिप्रेस्ड करनी है, यानी कि प्लस माइनस 5% का है। बेसिकली इसमें आपको 15 मिनट का समय दिया जाता है, 25 नंबर का एग्जाम होता है, 15 मिनट का आपका समय मिलेगा और 15 मिनट में आपको जो भी आपको पैराग्राफ दिया होगा उसको आपको टाइप करना होता है। और इसके बारे में नेक्स्ट आपको ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, और इसको जान लेते हैं। पेपर सेकंड में एक चीज़ है ना, एक छोटा सा पॉइंट है पेपर सेकंड में, पेपर सेकंड को बता देता हूँ क्या है इसमें। ये रहा पेपर सेकंड में एक चीज़ बताते हैं, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि कुछ आपको वर्ड्स दिए होते हैं, 15 शब्द प्लस 15 शब्द, यानी कि 15 वर्ड्स आपको दिए होंगे इंग्लिश के और 15 वर्ड्स दिए होते हैं आपको लोकल लैंग्वेज के। लोकल लैंग्वेज के जो वर्ड होते हैं उनको ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में, और इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं उनको ट्रांसलेट करना होता है लोकल लैंग्वेज के शब्दों में। तो बेसिकली 30 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस के आपको इस तरीके से मिलते हैं, लेकिन जो लोकल लैंग्वेज है ना उस लोकल लैंग्वेज को क्या माना गया है, यानी कि लोकल लैंग्वेज से मतलब क्या है विभाग का, इसको जानते हैं। तो आंध्र प्रदेश के जो लोग हैं जिनका पोस्टल सर्किट आंध्र प्रदेश है ना, उनके लिए लोकल लैंग्वेज क्या है, तेलुगु है। असम के लिए क्या है, असम के लिए असमीज है, और इन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बंगाली है, और इन एरियाज के लिए बोडो है। यानी कि आपकी जो लोकल लैंग्वेज है ना वो यहाँ पर दी हुई है, यानी कि जो लोग बिहार से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, दिल्ली से हैं, उनकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है,
यानी कि उनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और हिंदी से इंग्लिश में बस ट्रांसलेट करने हैं। गुजरात वालों के लिए लोकल लैंग्वेज गुजराती है। हरियाणा हिमाचल प्रदेश के लिए क्या है, हिंदी है। जम्मू कश्मीर के लिए क्या है लोकल लैंग्वेज, उर्दू है। झारखंड के लिए क्या है, हिंदी है। वहीं कर्नाटका के लिए क्या है, कन्नड़ है। मलयालम केरला के लिए क्या है, मलयालम है। एमपी मध्य प्रदेश के लिए क्या है लोकल लैंग्वेज, तो उनके लिए हिंदी है। इस तरीके से अपने सर्किल की आपको लोकल लैंग्वेज को भी ध्यान रखना है और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को इंग्लिश के जो ट्रांसलेशन वाले जो वर्ड्स हैं उनको ट्रांसलेट करना होगा। और नेक्स्ट पार्ट में क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट, ये देख लेता हूँ। और इससे संबंधित कुछ आपके लिए बचा भी नहीं है शायद, अकॉर्डिंग टू मी आप लोगों के लिए सारा बता दिया है मैंने। फाइनली एंड हो गया इसका। और इसी नोट पर इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।